आपका होस्ट आशीष चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर कहिए या असिस्टेंट कलेक्टर कहिए, जी हाँ, लक्ष्मण दराड़े जी, जी हाँ, फूड एंड ड्रग्स यानी अन्न विभाग से जो है उन्होंने जाहिर कर दिया है कि 1 अक्टूबर से सारी मिठाइयों की दुकान यानी कि जितने भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं उन पे एक्सपायरी डेट का होना अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, आइए इस बारे में बात करते हैं के कुमार जी से। देखिए सर, ऐसा है कि जो लक्ष्मण ए दराड़े साहब जो एडिशनल कमिश्नर रायगढ़ जिला फूड एंड ड्रग्स से डिपार्टमेंट से, उन्होंने कल जो मतलब बातें बोली कि अब खाने के हर चीजों का एक एक्सपायरी डेट मेंशन करना कंपलसरी होगा। हम लोगों की बहुत दिनों से मांग है, हम अपने एनजीओ की तरफ से बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इंडिया में जितने भी इस तरह के फूड्स मिलते हैं, रेडी टू ईट फूड मिलते हैं, पैकेजिंग फूड को छोड़कर, ब्रांडेड कंपनियों को छोड़कर के, बाकी जो खुले में बेचते हैं, जितने मिठाई वाले हुए, दूध वाले हुए और अदर लोग जो इस तरह का खाने का प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं रहता है। हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये कब तक खाना चाहिए और कब तक नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ माना जाता है, अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो। और हमारे भारत में ये देखा गया है कि फूड इंस्पेक्टर्स की उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले हम दूध को लेते हैं, दूध को इसलिए लेते हैं कि हमारे नवजात शिशु बच्चे को भी हम लोग दूध पिलाते हैं, और हमारे कंट्री में नकली दूध बनाने का इतना बड़ा गोरख धंधा है जो शायद कहीं नहीं होगा, जो केमिकल्स मिला करके दूध बनाते हैं। दूसरी बात, हमारे कंट्री में एक चीज़ और है जो सारे किसी कंट्री में नहीं है, मेलामाइन नाम का एक केमिकल है जिसको भारत सरकार ने दूध में मिक्स करने का परमिशन दिया है, वो भी मात्रा है 2.5 समथिंग, जो वर्ल्ड में किसी भी अदर कंट्री में इसको अलाउ नहीं किया गया है। मेलामाइन एक सिरामिक पाउडर टाइप चीज होता है जो दूध में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती है, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने से ये हमको पता चलता है कि दूध प्योर है, प्योरिटी का पता चल जाता है। और इस कितना मेलामाइन मिलाया गया है, यहाँ हमारे यहाँ लैब नहीं है इसको पकड़ने का, तो लोग इसको क्या किए 2.5 के जगह 25% 30% इस तरह से एक्सीड कर दिया है इन लोगों ने। दूसरी बात, आप जितने भी डेयरी का दुकान देखिए, उनकी जो टाकी बनी रहती है, पैकेट के दूध पे तो आपका एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, बट लूज दूध वाले लोग क्या केमिकल प्रोसेस करते हैं, उनकी दूध में कितनी प्योरिटी है, ये जहां से वो दूध मंगाते हैं उनके यहां से या दुकान पे कोई हेल्थ का सर्टिफिकेट उनके टाकी पे या उनके दुकान पे नहीं लिखा रहता है कि पर डे। मिठाई का क्या करते हैं वो लोग, जो मिठाई बच जाती है उसको फिर वापस उसको दूसरे नए मिठाई में मिक्स कर देते हैं और उसको फिर से बना देते हैं। समोसा बनाते हैं, वो समोसा के अंदर का चीज को, आलू को और बाकी मसालों को फिर दूसरे समोसे में मिला देते हैं, ऊपर के सेल को चटनी में मिला देते हैं, तो मल्टीपल यूज कर देते हैं, वो किसी चीज को फेंकते नहीं है अपने यहाँ। किस तरह के दूध का खोआ बनाया, नकली खोआ आपने हर देखा होगा। अभी देखिए, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि चालू हो गया है, अभी लोगों के मिठाई का डिमांड, दूध का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस पीरियड में नकली कामों का होड़ लग जाता है। तो जो दराड़े साहब ने जो एक्शन लिया है, जो बात बोला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। नॉट इवन रायगढ़, हम तो बोलते हैं पूरे महाराष्ट्र में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरी है, और इस पर कड़े से कड़े कानून का प्रावधान होना जरूरी है। जो खाद्य पदार्थ को नकली बनाते हैं, जो हमारे जीवन से खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे जीने का अधिकार को छीनते हैं, ऐसे व्यापारियों को, ऐसे कारोबारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और फर्स्ट में इनको हेवी पेनाल्टी होनी चाहिए, और दूसरी बात में कड़ी से कड़ी, हमको तो, मेरा तो ये डिमांड है कि इनको आजीवन कारावास, सजाए मौत भी होना चाहिए जो इस तरह की जिंदगियों से खेलते हैं। तो मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय से ये डिमांड होगा कि हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स का रोल बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा फूड इंस्पेक्टर्स बनाया जाए। लैब नहीं है हमारे यहाँ, टेस्ट लैब, तो एक सैंपल जाता है कितने समय लग जाते हैं। हमारे म्युनिसिपल एरिया में, हर म्युनिसिपल एरिया में कम से कम इस पॉपुलेशन वाइज उस लेवल का हमारे यहाँ लैब भी होना चाहिए, ताकि जो इमीडिएट विद इन 24 आवर हम होटल में क्या खाते हैं, दूध कौन सा मिलता है, मिठाई कौन सा मिलता है, ये सब होना चाहिए। आप अपने उलवे एरिया में देखिए, कितने दूध वाले ने दुकान खोला है, मिठाई खोला है, उसमें वो बिना FSSAI लाइसेंस लिए हुए मल्टीपल खाने का होटल भी खोल दिया, उनका होटल भी चलने लगा, उसी में खाने का सामान भी बेचते हैं, दूध भी बेचते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सब चीजें जो है बिना FSSAI लाइसेंस के गलत है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके माध्यम से मैं ये भी बोलूंगा कि लोग भी अपने, आपके चैनल के माध्यम से ये देख करके लोग भी ये आवाज उठाएं कि कड़ी से कड़ी नियम बने ऐसे लोगों के लिए। जी,
मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि इन चीज़ों का पालन कोई नहीं कर रहा है और उसे धोखाधड़ी से दिखा रहा है, तो उसमें उसको कैसे चेक करना पड़ेगा? भाई ऐसा है कि इसमें हम जनता को कंप्लेन करना पड़ेगा फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट्स में, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं महानगर पालिका में, लोकल पुलिस को हम इन्फॉर्म करें कि ये जहाँ महानगर पालिका नहीं है वहाँ वहाँ पर ग्राम पंचायत होगा, पुलिस होगी, फूड इंस्पेक्टर तो हर जगह है। आप उनका फोन नंबर रखिए, फोन नंबर आप अपने, हम तो मैं कहूंगा कि आप अपने ये जो अपने न्यूज बना रहे हैं उसमें भी डिस्प्ले कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगे, लोग इसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये जो जहर है मेरे लिए। और अगर जहर हमको खाद्य पदार्थ के रूप में मिल रहा है, मिठाई के रूप में मिल रहा है, दूध के रूप में मिल रहा है, अगर किसी खाने की चीज में मिल रहा है तो कतई इसको ना खाएं। और अभी तो आप देखें कि कोरोना फैल रहा है, ओपन चीज बिना ढके हुए उसको बेच रहे हैं, लोग स्प्लिट करते हैं, उसका भी जाता है, उसमें छींटे जाते हैं, हवा में उड़ के जाते हैं, तो ये हमारे लिए पता नहीं और भी रोग फैलाएगा, कोरोना भी बढ़ाएगा और भी इस तरह का बैक्टीरियल जो रोग है वो भी बढ़ेंगे। और नकली खाना खाने से जो हमारे ऊपर जो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा, हमारे बच्चों के ऊपर जो असर पड़ेगा वो अपूर्णीय क्षति होगी, इसीलिए इससे कभी भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्राइम है। और चाय के बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए सर, चाय के बारे में मैं ये बोलूंगा, आजकल जितने भी ब्रांडेड चाय वाले लोगों ने खोला है, जैसे नेवले हो गया, अदर ब्रांडिंग हो गया, इन लोगों ने इसमें कुछ केमिकल किया है, जैसे मेलामाइन, मेरा तो ये मानना है कि मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया है इन्होंने, जो जिसका टेस्ट लैब हमारे यहाँ नहीं है, और ये सिरामिक पाउडर है एक तरह से, तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी होती है। तो ऐसे चाय वाले जितने ब्रांडेड चाय की दुकानें जितनी खोल रही है या नॉन ब्रांडेड चाय की दुकानें खोल रही है, इनको भी फसाई लाइसेंस लेना चाहिए, इनको भी हेल्थ का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, इनके यहाँ भी हेल्थ इंस्पेक्टर जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनकी जाँच होनी चाहिए। और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।